Hello everyone, and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोगों का SSC का examination चल रहा है, which is CHSL, और उसके बाद MTS भी line up है, वो भी next उसमें जो भी आपके मंथ है उसमें हो सकता है मे बी. बट आज जो एग्जामिनेशन था वो SSC CHSL का था 2021-22. ये कई सारी शिफ्ट्स में होगा और बहुत दिन चलेगा, अभी तो ये कुछ दिन चलेगा. तो आज का 25th का, एक तो 24 को था यानी कि कल था, लेकिन आज मेरा एग्जामिनेशन था 25/5/2022 को. तो उसका ये एनालिसिस है, वो भी 12:30 and 1:30 वाली जो शिफ्ट थी उसका पेपर है ये. सो बेसिकली आज मैं इंग्लिश एंड जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है कुछ उनका एनालिसिस करने वाली हूँ. तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंटोनियम सिनोनिम. तो सबसे पहले जो लिबरल पॉलिसी है, एक्चुअली आजकल क्या है ना कि जो CHSL का एग्जामिनेशन है उसमें पहले आपको एक लाइन देते हैं, उस लाइन के अंदर एक वर्ड होता है, और उस लाइन के अंदर जो वर्ड है उसका सिनोनिम क्या होगा, उसका एंटोनियम क्या होगा, ये आपको बताना है. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा एंटोनियम दे दिया जाए कि इसका एंटोनियम क्या होगा, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि अगर सिंगल वर्ड दिया है जैसे CGL में होता है. मैंने CGL का भी एग्जामिनेशन का एनालिसिस किया था, तो उसके अंदर क्या था कि सिंगल वर्ड था एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम और एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. बट यहाँ पर CHSL में आपको एक लाइन दी हुई है, तो उस लाइन से भी आप काफ़ी हद तक जो थोड़ा बहुत मीनिंग है उसका निकाल सकते हो. सो देयर वॉज वन सेंटेंस जिसमें लिखा है लिबरल पॉलिसी, और मतलब कुछ इस बारे में लिखा है कि उसकी कोई लिबरल पॉलिसी थी. सो बेसिक लेवल पे लिबरल का एंटोनियम बताना है. सो लिबरल का जो एंटोनियम था वो कंजर्वेटिव था या आंसर में था, क्योंकि लिबरल का मतलब होता है खुले विचारों वाला, राइट. सो लिबरल का मतलब लीनियंट से होता है, जो थोड़ा लीनियंट हो, लिबरल हो, खुले विचारों वाला हो, इस तरह का. लेकिन उसमें एक सिनोनिम था जो उसका, सॉरी एंटोनियम था जो कि था कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स सोच वाला या कंजर्वेटिव विचारों वाला, या कन्वेक्शनल भी आप कह सकते हो. तो आपको कुछ इसके एंटोनियम सिनोनिम याद होने चाहिए. देन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया था, शी इज़ मोर एजुकेटेड देन हर सिस्टर. तो जैसे यहाँ पे लिखा है शी इज़ मोर एजुकेटेड देन हर सिस्टर, तो यहाँ पढ़ना मोर एजुकेटेड पे टिक था. एक्चुअली मोर एजुकेटेड इज़ दी आंसर. यहाँ पे मोस्ट एजुकेटेड एंड फार एजुकेटेड करके कुछ आपको वो दे रखे थे, सब्स्टिट्यूशन टाइप दे रखे थे. तो सीधी सी बात है, मोर के साथ हमेशा दैन लगता है, मोर के साथ हमेशा दैन देन लगता है, मोर के साथ हमेशा दैन लगता है. इसके अलावा द के साथ हमेशा मोस्ट लगता है. तो ये आपको एडजेक्टिव की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पता होनी चाहिए, कि मोर के साथ हमेशा देन जो है वो जोड़ी में आता है, पैर में आता है, राइट. सो शी इज़ मोर एजुकेटेड, यानी कि वो अपनी बहन से ज़्यादा एजुकेटेड है. तो वो अपनी बहन से ज़्यादा एजुकेटेड है, ये दिखाने के लिए यू हैव टू आपको यहाँ पे मोर और देन एक साथ लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आएगा शी इज़ मोर एजुकेटेड देन हर सिस्टर. तो ये आज का ही क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन में आया था, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड था. नाउ वी हैव वन ईडियम दैट इज़ हेयर्स ब्रेथ. हेयर्स ब्रेथ करके एक ईडियम था. वैसे अगर हेयर्स ब्रेथ आपको दे दिया जाता तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती आपको ये पहचानने में कि एक्चुअली हेयर्स ब्रेथ का मतलब क्या है. बट क्योंकि आपको ये लाइन के अंदर दिया हुआ था, तो उसका मीनिंग फाइंड आउट करना थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा. अब यहाँ लिखा है अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अमाउंट. हेयर्स ब्रेथ का मतलब होता है अ स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा डिस्टेंस या बहुत ही छोटा अमाउंट. जैसे वेरी क्लोज, ही केम विद इन अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ विनिंग. एक्चुअली विनिंग के ऊपर ही एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक सेंटेंस था विनिंग के ऊपर ही, जिसका मतलब था, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था स्मॉल मार्जिन या फिर कुछ इस तरह से नैरो मार्जिन करके एक जो एक वो है ऑप्शन वो दिया गया था. तो ये उसका आंसर होगा. सो मतलब हेयर्स ब्रेथ का मतलब है बहुत ही क्लोज है वो विनिंग के, यानी कि कोई भी जीत को अकम्प्लिश करने के या किसी जीत को हासिल करने के लिए, कॉन्कर करने के, आप बहुत समीप होते हो या बहुत नियर होते हो, तो उसके लिए स्मॉल मार्जिन यानी कि हेयर्स ब्रेथ का इस्तेमाल किया जाता है. सो दिस वॉज द ईडियम जो कि आया था. सो एक तो हो गया आपका लिबरल, कि लिबरल का आप एंटोनियम बताओ. तो लिबरल का एंटोनियम क्या है, कंजर्वेटिव है. और वैसे लिबरल का मीनिंग होता है खुले विचारों वाला या फ्री, और कंजर्वेटिव मतलब थोड़ा कन्वेक्शनल या ऑर्थोडॉक्स. उसके बाद आता है आपका शी इज़ मोर एजुकेटेड, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन था, तो हो सकता है एडजेक्टिव आपके पेपर में रिपीट हो जाएँ, ठीक है. और हेयर्स ब्रेथ इंपॉर्टेंट है, एक लाइन के साथ दे रखा था, जिसका मतलब होता है जो आप विनिंग के काफ़ी करीब पहुँच चुके हो.
और उसमें एक स्मॉल मार्जिन तो नहीं, बट हाँ उसमें एक स्मॉल मार्जिन तो नहीं, जैसे मैंने बताया नारो मार्जिन, वो करके कुछ था कि मतलब जीत के बहुत ही पास है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे पेपर में सबसे ज़्यादा एक्टिव पैसिव आए थे, एटलीस्ट 3 से 4 एक्टिव पैसिव आए थे, बट ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सारे शिफ्ट में एक्टिव पैसिव 4 से 5 या मतलब आए, हो सकता है किसी किसी में हो ही ना। जैसे पैरा जंबल जो है वो मेरे वाले पेपर में सिर्फ एक था, हो सकता है आपके पेपर में वो 2 हो। सो बेसिक लेवल पे अगर मैं बात करूँ क्या क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट, तो आया था ये आपको दे रखा था इसका पैसिव एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एक्टिव, तो एक्टिव वॉइस आपको फाइंड आउट करनी थी। सो कॉफ़ी इज सिप्ड बाई मी को आपने एक्टिव में करना था, तो आई सिप कॉफ़ी, ठीक है, क्योंकि आप इनडेफिनेट से, अगर आपको रूल्स पता हैं तो आप इनडेफिनेट से कंटिन्यूस की तरफ जाएंगे, तब जाके ये एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। सो दिस वॉज द एक्टिव, आई सिप कॉफ़ी एंड कॉफ़ी इज सिप्ड बाई मी वॉज द पैसिव फॉर्म। उसके बाद आता है हैव यू सबमिटेड द असाइनमेंट, तो इन्होंने ना एक्चुअली पहले क्या होता है कि हमको एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, बट इन्होंने पैसिव दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एक्टिव कि उसका एक्टिव फॉर्म क्या है। सो यहाँ पे लिखा था हैव द असाइनमेंट बीन सबमिटेड बाई यू, और उसका जो एक्टिव बनेगा वो हैव यू सबमिटेड द असाइनमेंट इससे बनेगा, राइट। सो ये कुछ एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस थे। नाउ मेरे पेपर में जो वो वाले क्वेश्चन है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ये इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा थे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आप लोग माइंड मत करना अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज का पेपर कैसा था। सो नाउ इन्फॉर्मेशनिस्ट, ये जो स्पेलिंग लिखी हुई थी कुछ इस तरह से लिखी हुई थी, इन्फॉर्मेशनिस्ट। अब बताओ क्या आप ये भी नहीं पहचान पाते कि इन्फॉर्मेशनिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, मतलब SAION लिखी हुई थी, जबकि ये TIONIST इस तरह से होता है। तो इन्फॉर्मेशनिस्ट की स्पेलिंग पूछी गई थी, अकरेंस की स्पेलिंग, मतलब अकरेंस जो था वो पर्सनल और इन सब के साथ था मेरे ख्याल से, या इन्फॉर्मेशनिस्ट के साथ, इन्फॉर्मेशनिस्ट के साथ बेसिकली ये 3 वर्ड्स थे, इन्फॉर्मेशनिस्ट, पर्सनल एंड पर्सनल, आपको उसमें से एक इनकरेक्ट छाटनी थी, तो वो इनकरेक्ट स्पेलिंग ये थी और करेक्ट स्पेलिंग ये है, तो ये देख के जाओ। अकरेंस भी पूछा गया था, एक उसमें एम्बैरेसमेंट भी पूछा गया था, अभी मुझे सारे तो याद नहीं है, जितने याद थे मैंने वो सारे लिख दिए, कुछ एम्बैरेसमेंट कुछ इस तरीके से ऐसे करके पूछा हुआ था, ई लगाया हुआ था, तो वो नहीं आएगा। अकम्प्लिश का स्पेलिंग पूछा था, जिसमें एक सिंगल ए ही सी ही लगा हुआ था, दैट इज़ अकम्प्लिश कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, या शायद एम भी नहीं था, इस तरह से लिखा हुआ था, तो आपको स्पेलिंग छाटनी थी अकम्प्लिश की, ये वाली। पर्सोनल पर्सनल ये बिल्कुल ठीक थे, इसमें इन्फॉर्मेशनिस्ट गलत था, तो ये स्पेलिंग्स देख करके जाओ। हाँ एक चीज़ और है कि यहाँ पे एलिजिबल, ये जो एक ही सेंटेंस में यूज़ किया गया था कि उसकी राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग जो है वो शायद पढ़ने वाली नहीं है, मतलब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसका कुछ पूछा हुआ था, तो एलिजिबल का मतलब है कि आपकी हैंड राइटिंग को इम्पॉसिबल है, डिफ़िकल्ट है रीड आउट करना, रीड करना या पहचान पाना बहुत थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, वो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड था कि एक मतलब कोई इंसान है, मतलब कोई शायद एक्सपोर्टर्स हैं, या एक्सपोर्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कुछ गलत तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर इंडल्ज्ड इन द मॉनेटरी गेन्स, तो ये उसका आंसर था, इंडल्ज एंड मॉनेटरी गेन्स वॉज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, जो कि जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ था, तो इस तरह से इंडल्ज मॉनेटरी गेन्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे पूछा हुआ है, तो वो बहुत इजी था, मतलब मुझे तो इजी लगा वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक चीज़ और है यहाँ पे कि कुछ, हाँ लिबरल के मैंने जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि एक तो ये हार्ड रिजिड स्ट्रिक्ट और डॉगमैटिक, ये सब आप देख के जाना, तो देखो कंजर्वेटिव पूछा गया था, इसके अलावा कन्वेक्शनल भी आ सकता है, ऑर्थोडॉक्स भी आ सकता है, एंड ओल्ड फैशन भी पूछा जा सकता है, एंड ट्रेडिशनल भी पूछा जा सकता है, तो आप आगे के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, हो सकता है ये वाले क्वेश्चंस आ जाएं। एंड लिबरल का जो आगे का होगा, लिबरल मतलब एडवांस है, बहुत फ्री है, बहुत ही लीनियंट वाला है, एक्सट्रीम है, टॉलरेंट है, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव पेरिलियस, अच्छा पेरिलियस का मैं एक्चुअली भूल गई हूँ, सेंटेंस कुछ इस तरह से था कि जो हमारे वो होते हैं, क्या नाम है, जो एथलीट होते हैं, यस द क्वेश्चन वॉज कि जो एथलीट है ना, जो एथलीट होते हैं उनका जो एथलीट होते हैं उनको बैन कर दिया गया है किसी चीज़ से, और वो मैं चीज़ भूल गई हूँ कि वो क्या था सेंटेंस में, बट सेंटेंस कुछ इस तरह से था कि एथलीट को बैन कर दिया गया है बिकॉज वो एक बहुत ही पेरिलियस चीज़ है। अब बैन कर दिया है तो सीधी सी बात है खतरनाक ही होगी, तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें से था
ये एक तो एडवेंचरस था, एक तो एडवेंचरस करके पूछा गया था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा अभी की आने पर पता चलेगा, इस वाले क्वेश्चन का ना आंसर की आने पर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेचरस भी दिया हुआ है, ट्रेचरस वर्ड भी दिया हुआ है, और ये भी खतरनाक या डेंजरस, क्योंकि कोई चीज़ बैन कर रहे हो तो वो चीज़ डेंजरस, हैजार्डियस, रिस्की, अनसेफ ही तो होगी, तो एडवेंचरस भी हो सकता है राइट, और ट्रेचरस भी हो सकता है, तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन आया था कि वो इंसान जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे सपोर्टर हो जूस का या फिर आप कह सकते हो वो जुडाइज्म जिसको हम कहते हैं ना, तो उसका आंसर ज़ियोनिस्ट होगा। हालांकि ज़ायनिस्ट तो ये वही है, मतलब ज़ायनिस्ट का मतलब वही होता है कि जूस के लिए या जूस के लिए जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे उनके लिए कुछ काम करे या उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हो। एक और इसके साथ वर्ड था विच वॉज ज़िलॉट या ज़िलॉट, मतलब जो बहुत ही ज़ील जैसा पर्सन हो या कुछ इस तरह का, फनाटिकल पार्टीसन और रिलीजियस ज़िलॉट, तो मतलब वही चीज़ है, रोमन डोमिनेशन से कुछ रिलेटेड है। तो ये दो क्वेश्चन थे। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैं ये ज़ियोनिस्ट के साथ क्यों गई थी, रीज़न बीइंग कि उसमें लिखा था कि वो इंसान जो इनको सपोर्ट करता हो, तो करता हो तो करने वाला तो नाउन ही होगा, तो IST मीन्स किसी चीज़ को करने वाला, लाइक डेंटिस्ट है तो डेंट ठीक करने वाला, साइंटिस्ट है तो साइंस में कुछ अच्छा करने वाला राइट, तो ये इकोनॉमिस्ट है तो इकोनॉमिक्स में कुछ अच्छा करने वाला, तो वैसे ही मुझे लगा कि IST आ रहा है मीन्स डूअर की बात हो रही है, तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ, और ये बिल्कुल इसका आंसर था। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको CGL के टाइम पे, कि ज़रूरी नहीं कि सबको सब कुछ पेपर में एग्जामिनेशन में आता हो। एक और चीज़ है लोट, ये पूछा हुआ था कि हेट का सिनोनिम बताना है, तो हेट का सिनोनिम वॉज लोट वहाँ पे दिया गया था, तो ये उसका सिनोनिम है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये आंसर। और इसके अलावा अच्छा एक चीज़ और है जिसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, क्योंकि मुझे भी हुई थी, तो यहाँ पर लिखा है कोई एक सेंटेंस दिया हुआ था, एंड उस सेंटेंस में लिखा था कि मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ लाइक सहा है, बहुत सारे बैड मोमेंट्स मेरी लाइफ में कुछ आए हैं, लेकिन फिर भी डैश लिफ्टेड मी या कैरिड मी थ्रू, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा था। तो लिफ्टेड, पहले मैं लिफ्टेड पे टिक किया कि लिफ्टेड के साथ गई थी कि येस, मतलब इसका आंसर लिफ्टेड होगा मे बी, बट उसके बाद मुझे लगा कि कैरिड होना चाहिए कि क्योंकि लेकर आया है कोई चीज़, मतलब कहने का मतलब है कि मुझे उस मोमेंट से, उस बैड मोमेंट से लेकर आया है, मैं अपने आप को लेकर आई हूँ उस बैड मोमेंट से, तो कैरिड मी थ्रू आना चाहिए, वैसे उसका आंसर कैरिड मी थ्रू होगा, तो लिफ्टेड मी नहीं होगा, क्योंकि लिफ्टेड का मतलब बेसिक होता है किसी चीज़ को उठा के कहीं और लग देना, जैसे कि लिफ्ट है ना, तो लोअर पोजीशन से आपको अपर पोजीशन पे लेके जाती है लिफ्ट, पहले माले से दूसरे माले, तीसरे माले पर लेकर जाती है, तो वो क्या है, लिफ्ट है, दैट इज़ टू किसी चीज़ को फ्रॉम लोअर प्लेस टू अपर पोजीशन पे रख देना, टू पिक और रेज समवन और समथिंग अप फ्रॉम लोअर प्लेस और पोजीशन, तो ये था, और कैरिड मी थ्रू इसका आंसर होगा। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज ग्रीस समवन्स पाम, जो कि बहुत 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 पुराना idiom है, यानी कि किसी को ब्राइब देना, भ्रष्टाचार फैलाना, ब्राइब देना, मतलब वही जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा किसी को पैसे दे के काम करवा लेना, तो ब्राइब देना, तो ग्रीस करना किसी के पाम को, तो उसको कहते हैं ब्राइबरी या ब्राइब देना, ठीक है, तो एक ये है, और मतलब हाँ रिश्वत, मुझे याद नहीं आ रहा था वर्ड। और जिन्होंने भी आज का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, जो भी एग्जामिनेशन है, सेकंड शिफ्ट है वो आई गेस फ्रॉम 12:30 to 1:30, तो उसमें एक पैरा जंबल आया था, एंड दिस वाज द पैरा जंबल, ये वो वाला पैरा जंबल था, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप देख सकते हो उसका आंसर आई थिंक BD समथिंग कुछ से होगा, मतलब बी आएगा उसके बाद शायद डी आएगा आई थिंक, मुझे ये याद नहीं आ रहा, लेकिन सीक्वेंस ये है, सीक्वेंस मैं बता सकती हूँ, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, लेकिन शुरू वो बी से ही था, तो सीक्वेंस वाज एट द एज ऑफ 15, 15 साल की एज में आई एंटर मो हाउस कॉलेज, माय फादर एंड माय मैटरनल ग्रैंडफादर हैड आल्सो अटेंडेड, सो मो हाउस हैज़ हैड 3 generations ऑफ किंग, ये पहला पॉइंट था, एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज आई शेल नेवर फॉरगेट द हार्डशिप दैट आई हैड अपॉन एंटरिंग कॉलेज, फॉर दो आई हैड बीन वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल आई वॉज रीडिंग स्टिल एट, ये सब जितना भी लिखा है ना, ये था सीक्वेंस। तो अगर आपको कुछ याद होगा, पैरा जंबल्स अगर आपको याद होंगे, तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आ चुका होगा। नाउ क्लोज टेस्ट ऑन योगा, जिसके आंसर कुछ इस प्रकार हैं, लाइक अलोन, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, टेक्निक्स, चूज, मर्ज, तो ये कुछ उसके आंसर्स है। क्लोज टेस्ट अच्छा था नो डाउट, बट फिर भी अलोन वाले में थोड़ा सा मुझे डाउट है अभी भी, क्योंकि मैं ना भूल रही हूँ थोड़ा बहुत, सारी चीज़ें याद तो नहीं रहती, बट योगा के ऊपर क्लोज टेस्ट था, जो कि बहुत ईजी था, कि योगा को आज लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज दे वॉन्ट टू लाइक गेट इन शेप, और दे मतलब लाइक फिट होना चाहते, नॉट
फॉर दैट या इसलिए नहीं करते, बल्कि वो अपनी बॉडी एंड सोल को यूनाइट भी करना चाहते हैं. एंड योगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, और योगा के अंदर कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स होती हैं, और हर किसी को अपने हिसाब से ना चूज़ करना चाहिए कि आपको क्या करना है. एंड लास्टली हम गॉड के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो उसमें ना वैसे यूनाइट का ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट क्योंकि यूनाइट का ऑप्शन नहीं था तो हमको मर्ज के साथ जाना पड़ा, क्योंकि यूनाइट का सिनोनिम मर्ज ही तो होता है, और इसके साथ मार्क लिखा हुआ था. अब गॉड के साथ मार्क क्या करोगे, कम्पीट क्या करोगे, ऐसे कुछ वो थे इसके ऑप्शंस थे, तो वो चीज़ है. बाकी एक शायद ये एरर का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि माय अंकल इज़ डूइंग बिजनेस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. जब आप कोई चीज़ बहुत सालों से कर रहे हो ना, तो उसके लिए हैज़ बीन डूइंग आप इस्तेमाल करोगे. सो दिस वॉज द आंसर. डिड वर्क का कुछ सेंस यहाँ पे नहीं बन रहा, क्योंकि 10 मतलब उससे 10 साल की बात हो रही है, मतलब 10 ईयर्स की बात हो रही है. बाकी एक बार मुझे भी इसको देखना पड़ेगा अगर ये गलत नहीं है तो. और अगर मैं उसकी बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ, तो उसमें कोडिंग डीकोडिंग के 4 क्वेश्चंस तो कम से कम आए हुए थे, जो कि इजी थे, अच्छे से हो रहे थे. आपको ना सबका वो याद कर लेना, क्या बोलते हैं उसको, ऑपोजिट्स याद कर लेना. लेकिन जैसे कि आई का आर ऑपोजिट होता है, जी का टी ऑपोजिट होता है, इस तरह से याद कर लेना, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसी ऑपोजिट उसके ऊपर बेस्ड थे. बस ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाली शिफ्ट में भी इसी ऑपोजिट पर बेस्ड क्वेश्चन आए, बट 2 क्वेश्चन इसी ऑपोजिट के ऊपर बेस्ड थे. वेन डायग्राम का ये वाला क्वेश्चन था, जो कि पहले भी CHSL में रिपीट हो चुका है, लेकिन उसके अंदर आई थिंक क्वीन था, मदर था एंड फादर था, ऐसा कुछ करके था मेरे ख्याल से, अगर मुझे याद आ रहा है तो. तो देखो, कुछ किंग जो हैं वो फादर भी हो सकते हैं, कुछ फादर जो हैं वो किंग भी हो सकते हैं. ऑब्वियसली कोई आदमी ही तो किंग बनेगा ना, और हो सकता है कि वो फादर भी हो, तो आप इसको एक साथ लिखोगे. और क्वीन तो होती ही फीमेल है, तो वो आप अलग लिखोगे. क्वीन ना तो कभी फादर हो सकती है, क्वीन ना तो कभी किंग हो सकती है ऑब्वियसली. तो आंसर विल बी दिस. ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था. वाटर एंड मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चन आए थे. आपको ना जी अच्छे से याद करना है, जी याद कर लो ऐसे. H मतलब आप लिखने की प्रैक्टिस करो कि G को मिरर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश करो, राइट. और मतलब इसकी प्रैक्टिस करो. याद क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है. ये अगर मुझसे पूछा गया था ये मिरर इमेज में, तो हो सकता है आपसे वाटर इमेज पूछ ली जाए कि इसका वाटर इमेज बना के दिखाओ. तो इस तरह के क्वेश्चन थे. पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग के 2 क्वेश्चंस आ रखे थे, और वो मुझे थोड़े से लगे घुमा देने वाले, क्योंकि उसमें एक तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है. जब आप स्क्रॉल करते हो, तो आप फर्स्ट जो आपको फ़ोटो दी हुई होती है, जो एक्चुअल फ़ोटो होती है जिसका आपने पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग करना है, तो उसकी वजह से वही ध्यान में नहीं रहती है. एकदम से आप पहली वाली फ़ोटो को देख के उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होती है. अदरवाइज़ ईजी थे. अगर आप एक चीज़ को पकड़ लोगे, लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा. जैसे ये है कि जो इमेज पास होगी वो पास बनेगी. जैसे इस तरह की कोई इमेज है, कोई इस तरह से चीज़ बन रही है, तो वो इधर ही बनेगी. मतलब जो जितनी नियर चीज़ होती है वो उतनी पास बनती है, जो दूर की चीज़ होती है वो उतनी ही दूर बनती है. सो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का ये कुछ 1-2 क्वेश्चंस आए थे. इसमें एक फूल बना हुआ था और समथिंग लाइक दैट. और एक था आपका डाइस के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था. और डाइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या था, 2 क्वेश्चंस आए थे. बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे. मतलब डाइस आपको पता ना कि किस तरीके से करते हैं. अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. यहाँ पे कुछ डॉग से रिलेटेड कुछ था, इधर था कैट, इधर था आंट, इस तरह से था. इधर भी कैट था, इधर भी आंट था, और इधर था फॉग. ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि डाइस में डॉग के ऑपोजिट क्या है. तो डॉग के ऑपोजिट क्या है, सीधी सी बात है, आंट एंड आंट. कैट एंड कैट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा डॉग एंड फॉग. सो डॉग एंड फॉग विल बी द आंसर, कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं डाइस में. तो ऐसे करके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि विद इन अ सेकेंड्स होने थे, राइट. तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ईजी था. पॉइंटेड फॉर्म आई थी ब्लड रिलेशन की, एंड द क्वेश्चन वॉज लाइक, मुझे याद तो है थोड़ा बहुत, कि मतलब एक फ़ोटो को देख के, एक पोर्ट्रेट को देख के, विजय जो है, मतलब एक लेडी थी इसमें, तो एक विजय नाम का लड़का है कोई, वो इस पोर्ट्रेट को देखकर कहता है कि ये जो लेडी है ये मेरी सिस्टर की, नहीं ये उसकी सिस्टर, ऐसा कुछ था कि उसकी सिस्टर एंड मैं अभी भूल गई हूँ, बट ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था. मतलब पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन पूछा गया था. हो सकता है कि आपके शिफ्ट में पजल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, राइट. तो ये आप उसका ध्यान रखना, और कुछ तो नहीं है. तो ये था बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो मैं लेकर आ सकी हूँ. मतलब ये इंग्लिश पर, क्योंकि मेरा हमेशा से ज़्यादा फोकस रहता है, मैं CGL का भी इंग्लिश वाला ही सेक्शन आपके सामने लेकर आई थी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. इंग्लिश का
एनालिसिस करना। बाकी आज मैंने रीजनिंग का भी थोड़ा सा एनालिसिस कर दिया है, और आप जीएस एंड मैथ्स का देखना पड़ेगा, आप जितना प्रिपेयर करके गए हो आप उसको ही देखो। बाकी हाँ, कैलेंडर के क्वेश्चंस आ रखे थे, यस कैलेंडर का एक क्वेश्चन आ रखा था, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आ रखा था। तो और बाकी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन वो जो होते हैं ना, जिसमें आपको साइन चेंज करने होते हैं, कोडेड आई थिंक कोडेड इक्वेशन है वो, कि जिसमें बोर्ड मास वाला रूल लगता है, वो तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे पेपर में, तो वो तो अभी ध्यान में नहीं है, उसमें कुछ कैलकुलेशंस थी। नंबर सीरीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, एक तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो ये कुछ एनालिसिस है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप उसके अकॉर्डिंग, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोग फिगर आउट कर सकते हो कि आगे आने वाले जितने भी आपके, अगर आपका एग्जामिनेशन है अभी कुछ टाइम में, तो आपको इससे कुछ हेल्प मिल सकती है। और बस आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आप वो सीजल वाला वीडियो जो है वो ज़रूर ज़रूर से देखिए, उसमें मार्क्स भी आपको मिलेंगे देखने के लिए, और उसका एनालिसिस कैसा है वो भी मिलेगा। और आगे आने वाले जितने भी पेपर्स होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, लाइक MTS होगा और ऐसे बहुत सारे होंगे, लाइक स्टेनोग्राफी होगा, तो उसके लिए भी आप जुड़े रहो और आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, एंड यही था करियर ग्लो की तरफ से, और बाय बाय।